अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल ऑटो कैटालिसिस को हम स्टडी कर रहे थे, ऑटो कैटालिसिस की कनेटिक्स। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट, जो सेकंड इसका केस है उसकी कनेटिक्स को हमने डिस्कस करना है। जो इसका सेकंड केस है इसमें है, पहला हमने किया था व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑटो कैटलिस्ट इज ज़ीरो। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो ऑटो कैटलिस्ट है, आपका जो ऑटो कैटलिस्ट है उसकी ज़ीरो नहीं है कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब मैंने दो उस टाइम रिएक्शन लिखे थे, एक ए गिव्स अस बी प्लस सी और एक ए प्लस बी और बी प्लस बी प्लस सी। इसको मैंने के वन इसका कांस्टेंट कह दिया, इसको मैंने वन कह दिया और इसको मैंने टू। अब जो पहला है वो विदाउट कैटलिस्ट है, क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और जो दूसरा है वो विद कैटलिस्ट है, और इसमें कैटलिस्ट कौन है? बी है, ठीक है। ऑटो कैटालिसिस की मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि एक जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी बाहर से हम कोई कैटलिस्ट नहीं डाल रहे, ऑटो खुद ब खुद हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वही क्या यूज़ हो रहा है, एज कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। उसे उस रिएक्शन को क्या कर रहा है? कैटलाइज कर रहा है, उसकी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, उसकी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसकी कनेटिक को डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो होगा तो ए और बी होगा, और जब टाइम क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टी हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट जो उनसे एक्स बना है वो माइनस हो गया, और बी में क्या हो गया? प्लस। अब जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, वो ये होगा कि डी एक्स बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए और बी की कंसंट्रेशन, प्रोपोर्शनल टू ए और बी की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास ए की जो कंसंट्रेशन हमें पता है कि ए माइनस एक्स है, और जो बी की है वो बी प्लस एक्स है। इस तरह हम जब, आपको इसका पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दूसरे रिएक्शन के लिए क्या था? के वन ए माइनस एक्स और बी प्लस एक्स था, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रेट इक्वेशन आ गया। अब इसको सेपरेटिंग वेरिएबल क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। अब ये डी एक्स है, और नीचे सारे उठा के एक्स वाले इधर ले, ये इधर दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। के वन डी टी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एंड सेपरेटिंग वेरिएबल करने के साथ ही क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेट हो गया और ये भी इंटीग्रेट हो गया। अब इसको मैंने ना ए का नाम दे दिया इस इक्वेशन, ठीक है। जब ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह सॉल्व नहीं होगी कि डायरेक्टली आपको फार्मूला लगा के सॉल्व कर ले, हम इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको किस तरह सॉल्व करना है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपने छोटी क्लासेस में 9th 10th में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी है। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथ नहीं रखा तो आपने 9th 10th में लाजमी पढ़ी है ये पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह होती थी कि हमने इसको ले लिया a माइनस एक्स
प्लस बी एक्स, इसको हमने ए के इक्वल रखा, ए माइनस एक्स प्लस बी और बी प्लस एक्स। फिर इसके साथ ये जो नीचे है इसके साथ सारे के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब सारे के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी प्लस एक्स कर दिए ये नीचे जोन सी, यहाँ पे भी क्या होगा ए माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स हो गया। ये तो क्या हो गया सारा कैंसल, और यहाँ पे क्या आ गया वन, यहाँ पे ये कैंसल, तो ए इंटू बी प्लस एक्स प्लस बी इंटू ये वाला कैंसल, तो ए माइनस एक्स, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने बी का नंबर दे दिया। अब आपने पुट करना है इस इक्वेशन में, पुट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ पे, इन इक्वेशन बी, ठीक है। जब आपने x इज इक्वल टू ए पुट किया तो वन इंटू ए, देख यहां पे x की जगह a पुट करेंगे तो a प्लस बी आ गया, यहां पे a माइनस ए आएगा, a प्लस बी प्लस बी इंटू ए माइनस ए आ गया, और यहां पे ये क्या हो जाएगा जीरो, और ए की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, ये क्या आ गई ए की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह हम एक्स पुट करेंगे, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ये इधर प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये किस पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इक्वेशन बी में, तो वन इज इक्वल टू ए, ठीक है, बी माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे ये क्या हो गया जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बी वन आ गया, ठीक है, वन आ गया, और b की वैल्यू भी यहां से क्या निकल आई, a प्लस बी निकल आई। यहां पे हमारे पास a और b की वैल्यूज निकल आई हैं, जब a और b की वैल्यूज निकल आई हैं तो हम इसको इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर मैंने नहीं बनाई, तो आप ना इस तरह बनाया था कि वन ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है, और बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बाय ए माइनस एक्स प्लस बी बाय बी प्लस एक्स किया, यहां पे ए माइनस एक्स और ए बी की क्या वैल्यू आई है वन ओवर ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होगा साथ, ठीक है, ए ए की जगह तो पुट कर दिया वन आ गया, ए माइनस एक्स आ गया, प्लस बी भी क्या निकला है वन बाय ए और वन बाय बी प्लस एक्स आ गया साथ, ठीक है, ए प्लस बी क्या आ गया साथ कॉमन आ गया, तो ए माइनस एक्स प्लस वन बाय बी प्लस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में जाके पुट करेंगे इससे, ठीक है, इस जगह जब पुट करेंगे तो आपके पास ये डी एक्स ए प्लस, सॉरी यहां मैंने गलती की, ए माइनस एक्स आएगा, ठीक है, और बी प्लस एक्स आएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी, अंदर इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो वन बाय ए माइनस एक्स, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे माइनस वन आता है, वहाँ पे ऊपर माइनस वन के साथ माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाया, दो बार मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस होता है, फिर वो ही आ जाता है, डेरिवेटिव हमने क्या करना है इसका कंप्लीट करना है, ठीक है, प्लस वन बी प्लस ये आ गया,
अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों नहीं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर पाया, तो जब डी बाय डी एक्स डी प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वन है, तो वन ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, इसका माइनस वन था तो इसलिए पहले इसका क्या करवाया, डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया, ठीक है। अब आपको पता है मैथ का एक असूल है कि जब डी बाय डी एक्स वन बाय एक्स हो तो हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स आ जाता है, तो हम क्या पुट करेंगे, ए माइनस एक्स बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब आपको पता है जब लॉग में जो दो क्वांटिटीज जोन सी होती हैं वो माइनस हो रही हो, यानी इसमें से देखो ये माइनस हो रही है, जब माइनस हो रही है तो वो उनको क्या कैसे लिख सकते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ए माइनस एक्स बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब नेचुरल लॉग ए सॉरी बी प्लस एक्स और ए माइनस एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब ये इक्वेशन में ये वैल्यू हमने निकाली तो कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें जब जब इसमें पुट करेंगे तो इस साइड पे भी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी, तो k1 t प्लस c, c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये वैल्यू a प्लस b नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस x a माइनस x इज इक्वल टू k1 t प्लस c। अब ये हमारे पास क्या निकली है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकली है, जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या है m सॉरी y एम एक्स और ये प्लस c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ अगर हम इसका प्लॉट करें तो ग्राफ जब प्लॉट होगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे सी की वैल्यू होती है, यहाँ पे स्लोप होती है आपकी, स्लोप यहाँ पे के वन है और वाई एक्सिस पे वन प्लस ए वन और ए प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस एक्स और ए माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे टी आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो आगे सी क्या है, सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ सी हमारे पास सी इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमने सी की वैल्यू निकालनी हो तो हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, यानी टी इज इक्वल जीरो कर देंगे और एक्स इज इक्वल जीरो कर देंगे। जब इस इक्वेशन में ए प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस जीरो और ए माइनस जीरो आ गया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के वन इंटू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से ए प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए निकलती है, ठीक है। अब सी की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, अब इधर पुट करेंगे तो ए वन ओवर ए प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन टी प्लस वन ओवर ए प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस ए, ये हमारे पास सी की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। और सी इधर क्या हो रहा है, माइनस इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस, जब माइनस होगा तो ये दोनों में क्या है कॉमन, तो इसको हम क्या ले लेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस सी ए माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू के टी आर। अब आपको पता है जब लॉग में दो क्वांटिटीज क्या हो रही हो, माइनस तो ये डिवाइड हो जाती हैं, जब आप डिवाइड करेंगे बी बाय ए, ठीक है, ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू के वन टी आर आपके पास। अब ओवरऑल जो इक्वेशन बनती है, यानी नीचे बी बाय ए हुआ था तो उसको ए बाय बी लिख देना है, यानी कि बी प्लस एक्स इंटू ए और ए माइनस एक्स इंटू बी
इज इक्वल टू के वन टी। अब ये हमारे पास अनदर रेट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है, इसमें सी जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, सी जो हो गया ज़ीरो। अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे ना, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो टी आएगा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वन ओवर ए प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस एक्स इंटू ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स इंटू बी, ठीक है, ये ओरिजिन में से पास होगी। यहाँ तक कि ये इसकी काइनेटिक्स जो सी सेकंड है जिसमें ऑटो कैटल इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो नहीं है, ये यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।